हेलो फ्रेंड्स, इट फिटनेस चैनल बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे कि जब भी मैं वीडियो फ्यूचर में कभी भी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जिम के रिलेटेड कुछ अपडेट है वो मैंने आपको बताई थी। ओके, वो वीडियो अगर आपने मिस किया रहेगा, आपने अगर देखा नहीं रहेगा, तो मैं आपको ऊपर लिंक दे दूँगा, आप आके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ जिम के रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ चुकी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो न्यूज़ सुन के आप प्लीज़ बिल्कुल भी पैनिक बिल्कुल भी ना होए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आप अपने नियम आप अपने डिसीजन लेने के अधिकार उनको दिए हुए हैं, जैसे कि राज्यों की भलाई के लिए उन्हें क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं वो खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, वैसे ही महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में ऐसे कुछ डिसीजन ले चुके लिए है कि महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना की जनसंख्या के वजह से उन्हें जो डिसीजन लिए थे जिम और सलून के लेकर, उन्हें उस डिसीजन के उन्होंने स्टे लगा दिया है। फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, सबसे बैड न्यूज़ है दोस्तों कि आप जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 जुलाई से जिम और सलून चालू होने वाले स्टार्ट होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ जो है मुझे कल रात को ही पता चली है जी, कि सीएम उदय ठाकरे जी ने बताया है, बोला है कि जिम सलून अभी खुलेंगे नहीं, ये जुलाई में खुलेंगे नहीं करके बोला है। तो ये सबसे दुखद न्यूज़ है आप सब जिम ट्रेनर लोगों के लिए, जिम ओनर लोगों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ प्लीज़ आप कुछ भी कोई गलत डिसीजन आप ना लें तो आप समझ सकते हो कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप कुछ भी डिसीजन मत लो, ज़्यादा पैनिक बिल्कुल भी ना हो, ये डिसीजन जो है कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसे कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ जस्ट वेट कर सकते हैं कि उनकी डिसीजन का। ठीक है, जैसे भी हम लोग वैसे भी हम लोग ने 3 महीने तक हमने तो वेट किया था है ना जिम को लेकर, तो थोड़ा और देर और थोड़े दिन तक हम लोग वेट कर लेते हैं तो गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई आता है फिर से, है कि नहीं। ऐसे भी काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो है उन्होंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, तो मैं उन सभी यूट्यूबर को फिर से कहना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाइए जिम को लेकर, कि ये जो जिम का टॉपिक जो हो पूरा गवर्नमेंट तक फिर से जाए। ठीक है, तो प्लीज़ आप कुछ करिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। और हाँ, जो मेरे भाई लोग हैं वो प्लीज़ आप बिल्कुल पैनिक ना होइए जिम को लेकर। ठीक है, तो ये थी हमारी थोड़ी सी छोटी सी वीडियो। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।